दोस्तों यहाँ पर वाइप डाटा में, यहाँ पर जैसे ही जाते हैं वाइप डाटा में जाने पर दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रीन जो लॉक है दोस्तों वो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर हार्ड रिसेट दोस्तों क्यों सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं होता है ये आपको यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ट्रिक के साथ हार्ड रिसेट सक्सेसफुल हुआ है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर पेटेंट पिन पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं, आपको पता नहीं है, तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों 100% आपको यहाँ पर जो न्यू ट्रिक है दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऑल स्टेप करके दोस्तों आपको यहाँ पर अनलॉक करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पर इस तरह से इंटरफेस में आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले दिखाते हैं और आपको यहां पर पूरा स्टेप को और वीडियो को विदाउट स्किप शुरू से आखिरी तक आपको पर वॉच करके आपको पूरा करना है दोस्तों, तभी आपका अनलॉक का ट्रिक वर्क करेगा। तो इस तरह से पावर ऑफ यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, मोबाइल को इस तरह से पावर ऑफ यहाँ पर कर देंगे। पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे, दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद प्रेस करने के बाद आपका इस तरह से रिकवरी मोड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। इसको यहाँ पर प्रेस करते के साथ ही दोस्तों इस तरह से फिर से आपका वीवो लिखा हुआ आएगा। वीवो लिखा हुआ आने के बाद दोस्तों आपको जो है अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप आपका यहाँ पर इस तरह से आएगा। इस तरह से मैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यदि आप वाइप डाटा में जाते हैं, वाइप डाटा में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से वाइप डाटा मिलेगा। वाइप डाटा में जाते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों जो स्क्रीन का लॉक है वो आपको यहाँ पर इंटर यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी आपका हार्ड रिजल्ट सक्सेसफुल होगा, आपका इस मेथड से आपका वर्किंग नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से मेथड में आपका वर्किंग नहीं करेगा, तो आपको कैसे इसको यहाँ पर सक्सेसफुल करना है, कैसे आपको यहाँ पर करना है ये आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन लॉक यहाँ पर नहीं ले रहा है, तो आपको कैंसिल कर देना है और आपको बैक करना है और रिबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। इसको यहाँ पर प्रेस करते के साथ ही दोस्तों आपका फ़ोन जो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का दोस्तों फिर से ऑन होगा और ऑन यहाँ पर होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक एक स्टेप को बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ पर करना है दोस्तों। वीवो का सेट में दोस्तों आप वीवो एंड्रॉयड में आप यहाँ पर भूल गए हैं तो आपको यहाँ पर करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इमरजेंसी में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आपको जो कोड प्रेस करना है दोस्तों, कोड जो है *22*3653#*8823#, इसको प्रेस करना है। इसको यहाँ पर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इमरजेंसी में प्रेस करके ओके यहाँ पर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा जो कोड प्रेस करना है *33*203*#9966#, ये आपको प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी में प्रेस करके इसको भी ओके यहाँ पर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आपको पैटर्न कुछ भी आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से कुछ भी पैटर्न को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है दोस्तों। और आपको यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद इस तरह से कुछ भी पैटर्न को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से फॉरगेट का ऑप्शन को यहाँ पर लेके आना है। फॉरगेट का ऑप्शन को लेके आने के बाद दोस्तों फॉरगेट को प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों एंसर वन और एंसर टू में आपको यहाँ पर फिल करना है। एंसर वन और एंसर टू में क्या फिल करना है वो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आपको पहला में जो है अल्फ़ाबेट इस तरह से ए और दूसरा में अल्फ़ाबेट ए, इसको प्रेस करके इसको ओके यहाँ पर करना है। इस तरह से ओके यहाँ पर करना है दोस्तों। पहला में ए डालेंगे, दूसरा में भी ए डालेंगे और आपको यहाँ पर इस तरह से ओके करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सावधानी से आपको यहाँ पर और पूरा करना है। और उसके बाद दूसरा जो आपको यहाँ पर कोड को प्रेस करना है, कोड जो प्रेस करना है दोस्तों *#9970*#4540#, इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद दोस्तों एंसर टू में आपको प्रेस करना है *#5555#8589*#5309, उसके बाद दोस्तों हैच, इसको प्रेस करना है। इसको अगर प्रेस करने के बाद दोस्तों ये जो कोड है इम्पोर्टेंट कोड है दोस्तों, उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन को प्रेस करके ओके यहाँ पर कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये आपको यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर
ये यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर करने के बाद आपको जो है इस तरह से पावर ऑन ऑफ बटन को हम लोग यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे और मोबाइल को यहाँ पर पावर ऑफ यहाँ पर कर देंगे। इस तरह से पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑफ जब हो जाए, पावर ऑफ यहाँ पर होने के बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे। दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों और आपको यहाँ पर वीवो और रिकवरी मोड इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पर फिर से वीवो जो है, वीवो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर आने के बाद दोस्तों कुछ देर आपको इंतज़ार करना है और इस तरह से ऑप्शन जो है आपका सक्सेसफुली आ जाएगा। ये जो कोड जो हम लोग दोस्तों हम लोग डाले हैं इसको हम लोग यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। वाइप डाटा में यहाँ पर जाके आपको दिखा दिए दोस्तों, आपका वर्किंग नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिस्टम रिपेयर मोड, यहाँ पर आपको जाना है सिस्टम रिपेयर मोड में। इस तरह से पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके यहाँ करते के साथ साथ ही दोस्तों फ़ोन जो है आपका यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ऑफ़ होने के बाद दोस्तों कुछ देर के बाद फिर से ऑन होगा और ऑन यहाँ पर होने के बाद दोस्तों आपको कुछ देर के बाद जो है आपको सिस्टम रिकवरी मोड, आपको इस तरह से जो है सिस्टम आपका रिकवरी मोड इस तरह से यहाँ पर चालू हो जाएगा और इसको आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके आपको रिबूटिंग यहाँ पर करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। इससे दोस्तों हम लोग का जो भी कोड हम लोग प्रेस किए हैं वो सक्सेसफुली हम लोग का जो है हम लोग का एक्सेस हो जाएगा और हम लोग का सॉफ्टवेयर में वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का सॉफ्टवेयर में वर्किंग करना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑन यहाँ पर हो जाने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ऑन होने के बाद इसके आगे का जो स्टेप है आपको यहाँ पर सावधानी से और पूरा करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका फिर से फॉरगेट का ऑप्शन को यहाँ पर लेके आना है। फॉरगेट का ऑप्शन को लेके आने के बाद दोस्तों एंटर वन में आपको यहाँ पर जो प्रेस करना है दोस्तों, आपको कोड जो प्रेस करना है *#8860**2#5#5#, लास्ट पे प्रेस करना है दोस्तों। एंसर टू में आपको प्रेस करना है *#5532**4458#, ये प्रेस करके दोस्तों वेरीफाई का ऑप्शन प्रेस करना है, ओके आएगा, ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी में जाने के बाद आपको जो कोड प्रेस करना है, कोड जो है दोस्तों *#22633#, और उसके बाद दोस्तों *#330#, ये प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी में जाके इस तरह से ओके यहाँ पर कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखना है और उसके बाद दोस्तों मोबाइल को यहाँ पर सिंपल तरीका से पावर ऑफ यहाँ पर कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस कोड के माध्यम से हम लोग जो सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किए हैं आगे में दिखाते हैं कि आपका क्या होता है। पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन को दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है और उसको दोस्तों कुछ देर के बाद इस तरह से रिकवरी मोड आ जाएगा। उसको दोस्तों वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है, पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके आगे आपको यहाँ पर लेके जाना है। तो दोस्तों इस तरह से आगे यहाँ पर हम लोग को लेके जाएंगे। इसके बाद हम लोग का जो है इस तरह से आपको कैमरा और म्यूजिक इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर वीवो का आएगा। उसके बाद दोस्तों आगे में यहाँ पर वाइप डाटा में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों और आपको दिखाते हैं कि आपको यहाँ पर आगे क्या होता है। तो इस तरह से दोस्तों वाइप डाटा में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों हम लोग वाइप केक जो है इसको पहले रिमूव कर लेंगे। इस तरह से वाइप केक को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर लेंगे दोस्तों। आपको यहाँ पर इस तरह से रिमूव यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको वाइप डाटा में जाएंगे। वाइप डाटा में जाने के बाद दोस्तों सक्सेसफुली इंटर करके यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हार्ड रिसेट यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर वर्किंग यहाँ पर कर चुका है। इसको यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर करने के बाद ओके आएगा, तब ओके यहाँ पर कर देना है। ओके यहाँ पर करते के साथ और साथ ही दोस्तों आपका फ़ोन में जो है आपका यहाँ पर बैक का ऑप्शन आएगा, बैक यहाँ पर करना है और रिबूट सिस्टम में यहाँ पर फ़ोन को ला देना है। और उसके बाद दोस्तों फ़ोन में आपका यहाँ पर जो भी डाटा है सब कुछ यहाँ पर रिसेट होकर दोस्तों वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे और फॉरवर्ड करके दोस्तों इसके बाद FRP का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर बताते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका FRP का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट यहाँ पर कर लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर करने के बाद कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों इस तरह से एग्री आएगा, एग्री यहाँ पर कर लेंगे।
उसको दोस्तों स्किप का ऑप्शन आएगा, स्किप यहाँ पर कर लेंगे। और जिस तरह से गूगल सर्विस आएगा दोस्तों, इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर इस तरह से कोई दिक्कत होता है दोस्तों आपको लॉक को अनलॉक करने में, तो आपको कमेंट सेक्शन बताएं, हम जाके वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरह से यूज नाउ में जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, आपका जो है सक्सेसफुली फ़ोन यहाँ पर देख सकते हैं अनलॉक यहाँ पर हो चुका है।